नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल यू कैन टू। इस वीडियो में हम देखेंगे विंडोज सर्विस पैक कैसे हैक करते हैं। विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 पे मैंने ट्राई नहीं किया, बट मे बी 10 पे भी वर्क करेगा ये। तो यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 7, 8 या 10 में, और इसकी रिक्वायरमेंट है सर्विस पैक 1, 2 या 3 की, जो कि आपके पास इंस्टॉल नहीं है, और बिना सर्विस पैक इंस्टॉल किए आप सॉफ्टवेयर को इजीली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ विद इन कुछ सेकंड में आप सर्विस पैक चेंज कर सकते हैं और अपनी जो भी आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। आपने रन में जाना है, रन स्टार्ट बटन विंडो 7 में या इसमें विंडो की प्लस आर रन, तो यहाँ आपने रेग एडिट REGEDIT रेग एडिट टाइप करना है, ओके करना है। अगर आपके पास यूजर एक्सेस कंट्रोल का विंडो आ रहा है, यस करना है आपने। यहाँ आपने कंप्यूटर में लोकल HK लोकल मशीन एक्सपेंड करना है, इसके अंदर सिस्टम जो है सिस्टम को एक्सपेंड करना है। सिस्टम के बाद करंट कंट्रोल सेट, करंट कंट्रोल सेट में आपने कंट्रोल के बाद आपने विंडोज विंडोज पे आपने क्लिक करना है। विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में इस CDS वर्जन जो है, CDS वर्जन, यहाँ CDS वर्जन जो है यही हमारा सर्विस पैक वर्जन होता है। तो यहाँ हमने क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है इस पे। यहाँ जो वैल्यू 0 आ रही है, 0 को आपने 100, अगर सर्विस पैक 1 करना चाह रहे हैं तो 100, अगर सर्विस पैक 2 करना है आपने तो 200, अगर 3 करना है तो 300। चलिए मैं यहाँ अभी सर्विस पैक 4 तो नहीं आया, मैं 4 करता हूँ, 400 या क्लोज किया मैंने। क्लोज के बाद रीस्टार्ट करना है सिस्टम को, आपने रीस्टार्ट करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ मेरा अभी जो सर्विस पैक है, विंडो है, वो कौन सा है। अभी जो मेरे पास विंडो इंस्टॉल है वो है विंडो एडिशन विंडो 8 प्रो, कोई सर्विस पैक नहीं है, विंडो 8 है। और मैंने जो यहाँ चेंज किया था वो 4 के लिए किया था, 4 आया नहीं है, बट आपके सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, जैसे 3 भी आप कर सकते हैं। तो अभी सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि इफेक्ट जो है ये रिस्टार्ट के बाद ही होगा।
स्टार्ट हो गया है, चेक करते हैं कि हमारा जो वर्जन है, सर्विस पैक है, वो चेंज हुआ है नहीं। वर्जन चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा सर्विस पैक जो है, ये सर्विस पैक 4 हो गया है। अभी तक सर्विस पैक 4 जो है, अगर तुम्हारी ट्रिक से ये सर्विस पैक 4 हो गया है, इसलिए आप ये अपने सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विस पैक चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।